सीपीपी नंबर 26, 25 में बस एक बच्चे को डाउट थे, उसने अपने पूछ लिए थे आज, और किसी को डाउट थे ही नहीं। सीपीपी नंबर 26, पहला जो सवाल था ये मैंने लिखा कि AIEEE में आया था, पहले जेई मेंस का नाम AIEEE हुआ करता था, जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी, आजकल अब एनटीए कंडक्ट करवाती, इस तरह का है। तो ये जो जेई मेन है इसका ये सवाल है, मतलब AIEEE का 2010 का, कि पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, मोशन इन ए प्लेन पे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये दिया है। देन द जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर इट्स पाथ, ये चीज आपको गिवन थी, ये चीज गिवन है, और आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब था रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स में आपको एक रिलेशन निकालना है, ये आपको सोल्व करना था। कितने बच्चों से हुआ ये पहला सवाल, किसी से हुआ क्या क्लास में, मतलब टेस्ट में? देखो तो इधर सुनो, आपका जो v वेक्टर है दैट इज kx इंटू आई कैप प्लस ky इंटू j कैप, जिस दिन मैंने मोशन इन ए प्लेन की बिल्कुल पहली क्लास ली थी, तो उस दिन आपको बताया था कि vx को आप लिख सकते हैं dx by dt एंड vy को आप लिख सकते हैं dy by dt, वो जो 1D इक्वेशन थी वो x y z तीनों में लगती है। तो vx यहां से देख के बताओ, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये तो हो गया vx, एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये आपका हो गया vy। तो आपने vx देखा, vy देखा, ये दोनों इसमें पुट किए, vx की जगह kx इज इक्वल टू dx by dt एंड vy की जगह ky इज इक्वल टू dy by dt। आपको जब इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए तो आपको क्या एलिमिनेट करना है, t एलिमिनेट करना है। तो आप एक काम करो, डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही डिवाइड कर लो ताकि t एलिमिनेट हो जाए। अगर मैं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करूं तो देखो t एलिमिनेट हो रहा है, सेकंड से मैंने फर्स्ट को डिवाइड किया तो ky / kx बचा y / x इज इक्वल टू dy / dt / dy / dx, तो ये बच गया dy / dx। हाँ भी बताओ आ रहा है क्या समझ में, क्या किया हमने? देखो vx ये मैंने यहां थोड़ा सा गलत लिखा, ये है ky एंड ये है kx, ठीक है, तो इसको मैं ठीक करता हूं यहां पे, ये ky है एंड ये kx है, यहां नहीं, यहां पे ये तो ky है और ये आपका है kx। जब आप इसको डिवाइड करोगे टाइम एलिमिनेट करने के लिए तो इधर तो बचेगा x अपॉन y, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड किया मैंने, और उधर बचेगा dy / dx। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y dy इज इक्वल टू x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो विदाउट लिमिट। y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा विदाउट लिमिट, y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर / 2, x dy का x स्क्वायर / 2, और साथ में ऐड हो जाएगा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। अभी बताओ समझ में आया इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालनी थी? देखो हमने ये चीजें पहली क्लास में पढ़ी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में, मोशन इन प्लेन की, और इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल ने बताया, तो दोनों पे एक मिक्स क्वेश्चन था। अच्छा जरूरी नहीं कि आप डिफरेंशियल फॉर्म को ही डिवाइड करो, आप यहां से एक्स वाई में एक रिलेशन ला सकते थे, बट वहां पे क्या होता, दिक्कत क्या आती, तीन तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और टी, एक्स वाई और टी, तो एक बार टी एलिमिनेट कर दिया, टी हटाना भी था। तो आगे से ध्यान रखना भाई, कभी भी मोशन इन प्लेन आए जरूरी नहीं कि प्रोजेक्टाइल पे ही क्वेश्चन हो, कुछ भी आ सकते हैं। आपको जनरल इक्वेशंस पे दिया था पहला सवाल, तो जेई मेंस या AIEEE में आया था, ये आपको हो गया सवाल नंबर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी बच्चे का ये सही हुआ था पेपर में? नहीं हुआ है, किसका सही हुआ, नाम बताओ। सर भावना, ठीक है। अब एक कंप्रिहेंशन था सेकंड से लेके फोर्थ तक, 2-4, यार ये हो गया होगा आपसे, अभी मुझसे क्लास में क्यों डिस्कस करवा रहे हो ये? एक पार्टिकल को डाउट है तो वो बोलना, एक पार्टिकल है यहां से यहां गया, एक कोई हाइट है h, एक बार वो 1 सेकंड पे यहां था और एक बार वो 3 सेकंड पे यहां था,
तो क्या ऐसा काम आपको आता है करना? पूरी हाइट कैपिटल एच है, उससे कम ही हाइट है, तो इससे ऊपर ऊपर वो कितनी देर रहेगा? क्या उस दिन मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक बना के, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट, यहां से यहां जाने का तो एक सेकेंड, तो इसका मतलब उतरने का भी एक सेकेंड, और यहां से यहां जाने का तीन सेकेंड, तो पूरा देखो तीन प्लस एक कितना हो गया, चार सेकेंड। बाकी दो आप अपने आप करोगे, डायरेक्ट आपको करवा रखे हैं, एक बार पिछले लेक्चर्स देखोगे तो ये हो जाने चाहिए। सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों किसी बच्चे के सही है, तीनों क्वेश्चन ठीक है। आप पुराने लेक्चर्स देखिए, उनसे आपको समझ में भी आएगा कि क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ ये था कि एक पार्टिकल को 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। पांचवा जो आपका सवाल है कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस तरह से मैंने फेंका 53 डिग्री पे फेंका है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। तो पूछा है जब उसकी स्पीड, स्पीड बताओ जब उसने एंगल 37 डिग्री बना रखा था उस वक्त भी बताओ। क्या एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, बताओ क्या लगाना है, क्या करते हैं ऐसे सवालों में, बोलो यार जल्दी बोलो। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको इक्वेट कर देते हैं, आंसर आ जाता ठीक है। ये था डायरेक्ट। सिक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल है, एंगल पूछा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है आर बाई एच इज इक्वल टू 4/10 थीटा। ये इक्वल है तो कट गए, तो 10 थीटा बराबर 4 आ गया, तो थीटा आपका हो गया 10 इनवर्स ऑफ 4। अच्छा इसके बाद देखो कंप्रीहेंशन 7 to 9, कंप्रीहेंशन नंबर 7 to 9 आप देखिए। अब इसमें एक इक्वेशन ऑफ पाथ दी है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बार आप जनरल इक्वेशन सोचो, इस तरह की जो इक्वेशन होती थी वो होती थी y इक्वल टू एक्स 10 थीटा माइनस बोलो g अपॉन 2u² cos² थीटा इंटू एक्स। आपके सीपीपी 25 में भी थे यार इस तरह से सवाल, ये नहीं था लेकिन इस तरह के, किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था आज, पूजा ने शायद, तो मैंने बताया था यू कंपेयर करके कीजिए। पहली बात एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डायरेक्ट कंपेयर करो y11 ठीक है, कंपेयर करो x के साथ यहां 10 थीटा और x के साथ यहां a, तो आपको सीधा दिख रहा है 10 थीटा इज इक्वल टू a, तो थीटा कितना हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 10 इनवर्स ऑफ a। क्लियर, पहली बात आई आपको समझ में ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज देखो आप इसको एक और भी अच्छे तरीके से, क्या कह रहे हो, कोई बोल रहा है क्या कुछ, देखिए एक और भी अच्छी फॉर्म है इसमें अगर आप बदले, तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि आप इसमें से ax कॉमन ले लो, ax कॉमन लेते हैं, यहां वन बना, वन माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। आप बताओ क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि नहीं? Yes, तो इसकी जगह मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं, एक तो ये फॉर्म है g अपॉन 2u² cos² थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरी फॉर्म थी x tan थीटा कॉमन, याद होगा ना आपको, 1 माइनस x अपॉन r। लो जी इससे कंपेयर करो, डायरेक्ट दिख रहा है, इससे कंपेयर करो आप, x tan थीटा तो ये बाहर हो गया, 1 माइनस इट मींस ये जो चीज है दिस इज 1/r, तो यहां से कंपेयर करते दिख गया कि 1/r इज इक्वल टू बी बाई ए, तो r कितना होगा, r कितना होगा a अपॉन b, बताओ आया कि नहीं आया समझ में, डायरेक्ट सीधा कंपैरिजन ही था। और देखो tan थीटा आ चुका, r आ चुका, अगले सवाल में h पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, tan थीटा और r आ चुका, तो अगले में h पूछा है, कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है सर, r अपॉन h इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 थीटा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया तो r इंटू 10 थीटा अपॉन 4, मैं वैल्यूज पुट करूं, r a by b, 10 थीटा a अपॉन 4, तो दिस इज a स्क्वायर बाई 4b। तो ये क्वेश्चन केवल और केवल आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया गया था कि आपको इक्वेशन ऑफ पाथ को देखना आता है कि नहीं, दोनों फॉर्म्स हो गए भैया 7 से 9 ठीक है। 10th
एक बड़ा आसान सवाल है, जब कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो तो सेम हाइट लेवल पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स होता है। तो इन्होंने यूं दे रखा है टेंथ में, सवाल नंबर 10 में इन्होंने ये दे रखा है, ये एक्स है ये वाई है, इस तरह से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, लिखा है कि ए पे उसकी वेलोसिटी थी 2i कैप प्लस 3j कैप। देखो 2i कैप ये तो 2 और 3j कैप, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की चेंज होगी ड्यूरिंग मोशन? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, तो ये तो यहां भी 2 रहेगा और सेम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो नीचे 3। तो ये अगर 2i कैप प्लस 3j कैप था तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप। आ गया समझ में? ठीक है। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये लिखता है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ रे हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 45 डिग्री पे इसे फेंका है, एलिवेशन एंगल बताओ जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो हाईएस्ट पॉइंट वाला तो एक स्पेशल केस था और उसका तो सीधा फॉर्मूला था टेन फाइव इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेन थीटा, पता है ना ये कर भी रखा था आपने ये सवाल। yes, तो टेन थीटा, थीटा 45 रखा तो ये 1, तो 1 बाई 2, तो फाइव आपका आया टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 आया। लेकिन फिर ये पूछता है कि जब 1/4 फ्लाइट पूरी हुई थी, भाई ये कंप्लीट टाइम ये आधा टाइम, तो यहां का ही 1/4 टाइम हुआ था टी बाई 4, उस वक्त एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ये नहीं बताना, ये बताना आपको ये कितना होगा। तो क्या उस लेक्चर में हमने सीखा था कहीं भी कैसे बताया जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना एंगल ऑफ एलिवेशन? भाई ये एक्स है, ये वाई है और ये एंगल फाई है, थीटा तो अलग है, थीटा वो पूरा था आपके यार नोट्स आप देखेंगे पिछले लेक्चर्स, तो टेन फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई को आपने लिखा था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स को लिखा था u cos थीटा इंटू टी, टी से टी कट गया था और ये आया था u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी अपॉन u cos थीटा। मैंने आपको बताया भी था एक और एंगल डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला, उसमें हाफ का फर्क आता है, बस ध्यान आ रहा है कुछ, केवल ये हाफ का फर्क था, ये टॉपिक करवाया था। और इसी में ये मैंने प्रूव भी करके दिखाया था, जब आप आधा टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो भाई अगर आप नोट्स ध्यान से पढ़ते हो तो ये चीज अप्लाई करनी थी। अब टी इस सवाल में बोला है 1/4, 1/4 का मतलब है टी बाई 4, टी होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी और उसका 1/4 यानी कि u साइन थीटा अपॉन 2g, u साइन थीटा अपॉन 2g इसमें पुट किया आपने, इस टाइम की जगह पुट किया u साइन थीटा अपॉन 2g, जी से जी कटा, u साइन थीटा बाई 4, u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा बाई 4, 3 बाई 4 u साइन थीटा बचा, तो टेन फाइव आया 3 बाई 4 u साइन थीटा अपॉन u कोस थीटा, u से u कट गया तो इस जगह आ रहा है टेन फाइव इज इक्वल टू 3 बाई 4 टेन थीटा, और थीटा क्वेश्चन में 45 डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो टेन 45 1 हो गया, तो टेन फाइव आ गया 3 बाई 4, तो फाइव आपका कितना आ गया टेन इनवर्स ऑफ 3 बाई 4। बताओ समझ गया है ये सवाल? yes, किस किसने सही किया था? सर उधर से फाइव की वैल्यू निकाली टेन इनवर्स ऑफ, वो क्यों निकाली इस सवाल में, उसका क्या काम था, वो तो पिछले में हो चुका हाईएस्ट पॉइंट पे। ये किसने सही किया था, ये 1/4 टाइम पे, यहां किसी भी बच्चे ने सही नहीं किया क्या? मनीष कुमार आपका गलत है क्या ये? सर सही है। फिर बोलते क्यों नहीं, मैं पूछ रहा हूं तो सर, मेरा भी ठीक है, आप ये थोड़ा ध्यान दो यार, ये मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं काम, तो किस तरह से अप्लाई करना है बस ये अप्लाई करना था यहाँ पे। ठीक है आगे देखो, आप जल्दी इसे देखते हैं इसे। 13, एक मिसाइल को फायर किया गया है मैक्सिमम रेंज के लिए और इनिशियल स्पीड उसकी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड उसकी है 20 मीटर पर सेकेंड, जी 10 है तो रेंज बताना है। भाई मैक्सिमम रेंज का तो सीधा फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई जी, बस ये लगाना था, हो जाएगा। 14,
ये आपके 14 जो सवाल है सीपीपी नंबर 25 में था, मैंने बस वैल्यू हटा के खाली एच इस तरह से दे दिया। सेम क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज 2h। कितनी हाइट ज्यादा से ज्यादा वो फेंक सकता है, ज्यादा से ज्यादा हाइट कब आती है जब वो सीधा फेंके, तो ज्यादा से ज्यादा हाइट तक वो फेंक पा रहा है दैट इज एच। मान लो मैक्सिमम स्पीड जिससे वो फेंकता है दैट इज यू, सो यू स्क्वायर बाय 2g इज एच, यू स्क्वायर बाय 2g इज एच। अब पूछा है तो बताओ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी जहां वो फेंक सकता है, तो अगर वही आदमी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे फेंकने लगे तो उसे अगर थोड़ा फिजिक्स का ज्ञान हो तो 45 डिग्री पे फेंकेगा। सेम पूरा जोर लगा दिया उसने यू, तो अब जो रेंज आएगी रेंज दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और यू स्क्वायर बाई जी यहां से निकालोगे तो 2h आएगा। यानी कि अगर मैं किसी बॉल को एच हाइट तक ऊपर फेंक पा रहा हूं तो अगर मैं 45 डिग्री पे फेंक दूं तो उससे डबल डिस्टेंस तक हो जाएगी 2h डिस्टेंस तक। आ गया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से 18 मैं नहीं करवाऊंगा, आते हैं आपको ये सारे करने। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब है ए डॉट वी अपॉन वी, है ना, याद है ना ये फॉर्मूले। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नेक्स्ट दैट इज ओनली ए। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ए क्रॉस वी अपॉन वी, करवा रखे हैं सारे काम आपको, एंड यहीं से आर निकल जाएगा वी क्यूब आके। ठीक है, वो सब कर लेना है। 15 से 18 हो गए। 19वां सेम क्वेश्चन है, पिछले टेस्ट में दिया था, पिछले असाइनमेंट में 25 नहीं 24 में था शायद ये, मैंने वहां 30 डिग्री दी थी ए बी लाइन पे, यू है डायरेक्ट ये वाला प्रोजेक्शन, उसमें ये जो ए बी लाइन बनती है ए बी लाइन, उस सीपीपी में हमने लिया था 30 डिग्री एंगल, आज ये कितना ले रखा है 60 डिग्री, और कोई चेंज नहीं है। कर लोगे, किया हुआ है ना ये वाला काम? अरे ऐसे किया था हमने, ये R लिखा, ये H लिखा, फिर 10, 30 लिया, 10, 60 हो जाएगा, कर लेना, और ये होना चाहिए आपसे। ये उस दिन जब आंसर आया था तो ऑप्शन 1 आया था, क्योंकि उस दिन 30 डिग्री एंगल था, समथिंग अपॉन 10, 30 बना था, 10, 30 1/√3, तो √3 ऊपर चला गया था, तो 1 ऑप्शन आया 15√3। आज 10, 60 डिग्री है तो आंसर आएगा 15 अपॉन √3, ये वाला आंसर आना। किस किस बच्चे का हो गया ये सही क्लास में पेपर में? ठीक है भाई, जिनसे नहीं हुआ वो जरूर देखना, पिछले लेक्चर्स में ये चीजें हैं। और आखिरी सवाल, आखिरी सवाल तो एक सीधा और आसान सवाल है, कोलिजन के मैंने करवाए थे तो उसका बीच वाला केस दिया है कि जब आप यहां से फेंकेंगे नॉर्मली जाके टकराया और एज इट इज रिट्रेस करके आ गए, ये सवाल है। और ये बोला है टोटल टाइम बॉल को लगा 4 सेकंड, यानी कि बॉल 2 सेकंड बाद यहां थी और 2 सेकंड बाद वापिस थी, तो हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द बॉल, अब ये वाला केस है तो मैक्सिमम हाइट ही होगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आसान वाला केस दिया था। और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी दैट इज 4, यहां से u साइन थीटा निकाल के उसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा, एक से u साइन थीटा निकाल के उसमें पुट कर देना आंसर आपका आ चुका होगा। चलो भाई ये बताओ, ये हो गया 20-25 मिनट में डिस्कस, समझ में आया कि नहीं आया पूरा टेस्ट? आ गया सर, लेकिन नंबर थोड़े कम हैं। इस वीक आपके कंटिन्यूअस टेस्ट चलेंगे भाई, थोड़ा ध्यान दो, ऐसे थोड़ी फिर नंबर आएंगे उस टेस्ट में भी। और 25वां कर लिया होगा आपने असाइनमेंट, ये भी अपने देख लेना। मैंने आपको टेस्ट से पहले ये बताया था कि एक मैसेज भेजा था कि अपना रिवीजन करके रखो, टॉपिक्स रिवाइज करो, सीपीपी रिवाइज करो, तब जाके टेस्ट देना, तो एटलीस्ट किया कीजिए वो काम। चलो अब हम लौट के आते हैं अपने काम पे। हम पढ़ के रहे थे एंगुलर प्रोजेक्शन, ना सॉरी प्लेन पे प्रोजेक्शन, हाँ इंक्लाइन प्लेन पे हम प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, और उसमें पहले कर रहे थे प्रोजेक्शन अप द प्लेन, नीचे से और ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन, ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शन अप द प्लेन। कल भी टेस्ट है, ठीक है, सुन गया आपको, कल भी टेस्ट है और लगातार अब आप टेस्ट देंगे 2-4 दिन और तैयारी करते रहे इन चीजों। टाइमिंग तो यार पता है, मैं आपका टाइम टेबल और मेरा टाइम टेबल देख के बता पाऊंगा कि आज वाला टाइम कैसा था, ठीक था टेस्ट का? बताओ अगर कोई दिक्कत ना हो तो यही रख लेंगे टाइम, ठीक है, तो यही टाइम रख लेंगे क्योंकि उसके बाद हमारी क्लास होती है 6 बजे, तो उसमें कुछ डिस्कस हो जाएगा और कुछ आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए
प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, मैं वो टेबल दोबारा नहीं बना रहा हूं, वो आपने बना रखी है। ये एंगल था थीटा नॉट, ये वो इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से आपने किसी को प्रोजेक्ट किया था, और क्या वो इसके अबाउट सिमेट्रिक बनता है या ग्राउंड के अबाउट सिमेट्रिक बनता है? पैराबोला, पैराबोला इसके अबाउट सिमेट्रिक नजर आता है कि ग्राउंड के अबाउट? ग्राउंड के अबाउट ऐसा रहेगा कि ये यूं यूं टकराएगा जाके, कैसे भी टकरा सकता है, लेकिन जो जहां पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है वो ग्राउंड के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक रहता है, और आगे ये इतना ही और जाना था, इतना ही आगे ये और जाना था, इस तरह का काम रहता है इसका। ठीक है, अब देखें ये टी बराबर जीरो पे यहां से प्रोजेक्ट किया, टी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे यहां आके टकराया, और कैपिटल टी आप निकाल चुके थे कल 2 times u perpendicular upon a perpendicular। एक बार लिखवाएंगे कितना था u perpendicular, कितना था ये अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो u perpendicular कितना था u sin थीटा, और a perpendicular कितना था a cos थीटा, नहीं g cos थीटा नॉट, थीटा नहीं है बल्कि उसमें थीटा नॉट है, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कल निकाल लिया था। ठीक है, मैंने आपको यह भी बता दिया था कि वो टाइम क्या होगा जब ये पैरेलल टू द प्लेन होगी, मैंने आपको यह भी बताया था वो टाइम क्या होगा जब ये पैरेलल टू ग्राउंड होगी, फिर हमने ये बताया था आपको कि अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वर्ड आते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वर्ड आते हैं तो कैसे सवाल सोल्व करना चाहिए पैराबोला पूरा बना के, समझ गया ना, कल बताया था ना ये, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वर्ड आते हैं तो पैराबोला पूरा बना के उससे कंपेयर करो, नॉर्मल वर्ड आया तो नहीं फिर पैराबोला नहीं, फिर आपको केवल प्लेन वाला ही लेना था। अच्छा देखो, ये था हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस तरह का था। अब मेरा ध्यान जाना चाहिए आज रेंज पे कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है, दिस इज द रेंज ऑन द इंक्लाइन, कि अगर आपने नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो रेंज ऑन द इंक्लाइन कितनी होगी, तो रेंज ऑन द इंक्लाइन सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला याद रख ले तो अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर ये सवाल आते हैं तो रेंज निकालने में टाइम लग जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ जाता है। देखो 2 times यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन, अब ये जो जी आता था उस नॉर्मल फॉर्मूले में, यहां पे जी की बजाय आता है जी कोस स्क्वायर थीटा नॉट, जी कोस स्क्वायर थीटा नॉट, इसके अलावा एक टर्म और आएगी जिसमें थीटा माइनस थीटा नॉट एंगल आएगा, कोस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, कोई कहे कि यार भाई क्यों याद करे इतना, कोई बात नहीं भाई मत याद करो, फिर ये कैलकुलेट करना पड़ जाएगा सवालों में, उसमें और भी ज्यादा टाइम लगता है। टू यू स्क्वायर साइन थीटा, अब इसमें थीटा और थीटा नॉट में डिफरेंस रखना, थीटा तो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द प्लेन और थीटा नॉट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, 2u square sin theta upon g cos square theta not into cos of theta minus theta not, आप अगर गलती से गलत लिख दें तो वेरीफाई कर सकते हैं भाई, अगर थीटा नॉट जीरो होता, अगर थीटा नॉट जीरो होता तो ये ग्राउंड बन जाता, ग्राउंड पे रेंज का क्या फॉर्मूला आता है, u square sin 2 theta upon g, sin 2 theta को अगर आप खोलें तो दैट इज साइन थीटा कोस थीटा, 2 sin theta cos theta, एक बार चेक करते हैं यहां से, मतलब आप वेरीफाई कर सकते हो, कभी आपने फॉर्मूला गलत ना लिख दियो, थीटा नॉट जीरो रखा तो cos theta बन गया, cos theta बन गया 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta क्या बना ऊपर साइन 2 theta, और नीचे जीरो रखा cos जीरो 1 होता है, cos जीरो 1 होता है तो ओनली जी रह गया, तो बताओ क्या वो फॉर्मूला आ गया कि नहीं, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 theta, आया क्या समझ में आपको, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 theta, यहां से आना चाहिए, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये आना चाहिए। दूसरी बात, मैक्सिमम रेंज, पहले मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं क्या क्या है, दूसरी बात मैक्सिमम रेंज कब होगी और कितनी होगी, पहली बात कब होगी ये भी ध्यान से सुने, जब आप ग्राउंड पे फेंकते थे तो मैक्सिमम रेंज कब होती थी, कितने एंगल पे, 45 हो। अब सुनो, वो 45 कैसे याद रखना है,
ग्राउंड पे फेंकते थे तो प्लेन सीधा था, एक वर्टिकल बनाओ, प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। ग्राउंड पे फेंक लो चाहे प्लेन पे फेंक लो, प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, प्लेन प्लेन ग्राउंड नहीं है, प्लेन ये है। अब मैं आपको यहां सिखाता हूं भाई, ये तो है प्लेन की लाइन, ये तो है प्लेन की लाइन। वर्टिकल कैसे बनेगा, क्या वाई एक्सिस वर्टिकल है, क्या वाई एक्सिस वर्टिकल है, ये कौन सी लाइन है आपकी, वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज द प्लेन लाइन। प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल देखो एक बार क्या है, प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल बताओ क्या है, बोलो प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना है सर, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा नॉट। नहीं नहीं बिल्कुल गलत बताया आपने, दोबारा देखो ध्यान से डायग्राम, प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल नहीं भाई बिल्कुल गलत है, दोबारा सुनो और फिर से देख के बताओ, प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल मैंने ग्रीन कलर से बना भी रखा है, यू बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल क्या हुआ करता है हमेशा सर, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा नॉट, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा नॉट, गलत है यार, कमाल हो गया कमाल हो गया, ये यहां से एंगल नहीं दिख रहा हूं। सुनो मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना होता है 90, और हॉरिजॉन्टल और प्लेन के बीच का एंगल कितना है इस डायग्राम में, हॉरिजॉन्टल और प्लेन थीटा नॉट, तो वर्टिकल और प्लेन के बीच का क्या बचा, क्या बचा 90 माइनस थीटा नॉट, आया समझ में, केवल 90 माइनस थीटा नॉट, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं यहां पे 90 माइनस थीटा नॉट का बाइसेक्टर बना दूं, भाई ये पूरा एंगल है, 90 को रेडियन में लिख लिया करो क्योंकि मुझे थीटा नॉट, ये पूरा एंगल ये है, यानी कि अगर आप रेंज को मैक्सिमम चाहते हैं तो जो थीटा हो इसका हाफ हो, पहले मैं यहां बताऊं आपको, 4 आर मैक्स जो थीटा होना चाहिए, दिस शुड बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा नॉट, ये होना चाहिए, इस तरह से हम याद रख लें, ये आसान है रिजल्ट याद करना, कैसे, ग्राउंड पे मैक्सिमम करना हो तो प्लेन सीधा है, वर्टिकल तो वर्टिकल है ही, प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ही फेंकना है रेंज मैक्सिमम करने के लिए, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो इस तरह का प्लेन हो। पहले तो ये बताओ कि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाया करेंगे भाई, जो भी ये करने होंगे, हाँ जी आगे बात समझ में, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये रेंज मैक्सिमम होगी कितनी, अगर हमने नीचे से ऊपर इसको थ्रो किया है, पहले तो मैंने आपको रेंज का एक फॉर्मूला दिया, अब बात आती है कि ये रेंज मैक्सिमम होगी कितनी, तो ये जो रेंज होगी ये कितनी होगी, यू स्क्वायर, देखो यहीं से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, अभी करेंगे इस काम को भी, तो जो आर मैक्स निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा नॉट, u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा नोट। अब आप ये बताओ, इसमें एक बार थीटा नोट जीरो रख के देखो, इसमें आप थीटा नोट जीरो रख के देखो, अगर ये ग्राउंड होता तो बोलिए, अगर थीटा नोट को मैं जीरो रखता हूं तो क्या आ रहा है, u स्क्वायर अपॉन जी, और वैसे भी ग्राउंड पे कितनी आती थी, u स्क्वायर अपॉन जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, यहां पे मैंने माइनस जानबूझ के लगाया, एक्चुअली मैं आपको याद करवा रहा हूं प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, क्यों, एक केस वो होगा जो आज आप खुद करेंगे मेरी क्लास के बाद, वो होगा प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन, मैं अभी क्या करवा रहा हूं आपको, प्रोजेक्शन अप द प्लेन, समझ गए, हम जो भी देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रोजेक्शन अप द प्लेन, और आप खुद करेंगे प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन। अब किसमें प्लस लेना है किसमें माइनस लेना है वो सुनो, आप यू बताओ, जब मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो रेंज ज्यादा होगी, या नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो रेंज ज्यादा होगी, बताओ कब आसानी से पार्टिकल चलेगा, सर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, हाँ डेफिनेटली, अगर आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो रेंज आराम से बहुत ज्यादा होगी, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो रेंज इतनी ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ग्रेविटी अपोज कर रही है, यानी कि
प्रोजेक्शन अप द प्लेन में ये कम होनी चाहिए, प्रोजेक्शन अप द प्लेन में ये कम होनी चाहिए, प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन में ये भी ज्यादा होनी चाहिए, ये भी ज्यादा होना चाहिए। तो कब प्लस आएगा कब माइनस, अब सुनो आप इधर सुने, ये एंगल अगर बड़ा होगा, ये एंगल अगर बड़ा होगा तो कोस छोटा होगा कि बड़ा होगा बताओ? छोटा। एंगल जितना बड़ा होता है कोस उतना ही छोटा होता है। तो रेंज जब कम चाहिए तो यहां प्लस कर लेना, और रेंज जब ज्यादा चाहिए तो यहां माइनस कर लेना। अब बताओ मुझे अप द प्लेन में क्या आएगा और डाउन द प्लेन में क्या आएगा, बोलिए बोलो। डाउन प्लेन में माइनस और अप प्लेन में। हाँ, तो मैंने इसी तरह से प्लस माइनस लगा दिए हैं कि एक प्लस एक माइनस, ये अप और ये डाउन, याद हो जाएगा ये, ठीक है? अभी प्रूव करेंगे ये चीज, लेकिन याद भी तो करना ज्यादा जरूरी है, बार बार एग्जाम में प्रूव थोड़ी करते रहेंगे। इधर आओ, इधर ये जो फॉर्मूला है यहां पे प्लस माइनस लगा हुआ है। अब फिर से सोचो, अगर आपने प्लस लिया, प्लस लिया तो न्यूमरेटर ना सॉरी डिनोमिनेटर ज्यादा है कि कम है प्लस लेने पे? अगर मैं यहां प्लस कर दूं तो डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा है? अरे बोलो सर, बड़ा। बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो रेंज कम कब आती है, अप द प्लेन में कि डाउन द प्लेन में? अप द प्लेन। तो अप द प्लेन में प्लस आएगा और डाउन द प्लेन में माइनस आएगा। मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं आपको एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, क्योंकि प्रूफ एक अलग चीज है, बट क्वेश्चंस तब होंगे जब हमें रिजल्ट थोड़े याद हो। रेंज थोड़े से उनसे अलग रिजल्ट्स हैं, लेकिन यहां पे आप अगर कहीं गलती कर जाओ रेंज का तो ये चेक कर लिया करो, थीटा नॉट जीरो पे वही आने चाहिए जो वहां थे। इसमें भी देखो थीटा नॉट जीरो करोगे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जीरो हो जाएगा और RMX आएगा U square by G, तो ग्राउंड पे RMX U square by G ही हुआ करता था। देखो बोर्ड पे इतनी देर ये रिजल्ट लिखे हुए हैं, आप बताओ कि याद हो पा रहे हैं कि नहीं ये रिजल्ट, रेंज के कब प्लस कब माइनस दोनों एक साथ चल रहे हैं, और क्योंकि बाकी फॉर्मुलों में फर्क ही नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट या ऊपर से फेंको चाहे नीचे से फेंको यही आना है। अभी दिखाएंगे आपको, आप खुद करेंगे आज डाउन द प्लेन वाला। और दूसरी बात, रेंज में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आगे बढ़ू उससे पहले आप हो सके तो ये याद कर लो ये फॉर्मूले कि रेंज के क्या फॉर्मूले, लिख रहे हो ना साथ साथ कुछ या नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं। हाँ तो लिखोगे तो याद होंगे भाई ये फॉर्मूले, रेंज का और फिर मैक्सिमम रेंज का। तो चलिए एक बार अप द प्लेन वाला काम स्टार्ट करते हैं। डाउन द प्लेन मैंने बोला आपका होमवर्क है आज, और जरूर इस काम को ट्राई करें आप आज। देखिए अब मुझे रेंज निकालनी है, मान लो अप द प्लेन। तो रेंज निकालने का तरीका यह होता था, आपको याद होना चाहिए कि एट टी इक्वल टू कैपिटल टी एक्स इज इक्वल टू आर। हाँ भाई ध्यान आ रहा है, चाहे ग्राउंड पे बात करें चाहे प्लेन पे बात करें, ये तरीका होता था एट टी इक्वल टू कैपिटल टी एक्स इज इक्वल टू आर, याद है ना? ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक्स की इक्वेशन बताओ इसमें क्या बनती थी, x की इक्वेशन बनती थी u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ g साइन थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। मेरे लिखने के बाद तो ध्यान आ जाता होगा क्या लिख रहा हूं मैं, उसी टेबल से जो कल आपने बनाई होगी। अगर आपके पास वही कॉपी है और उसमें टेबल लिखी है तो आप वहां से चेक भी कर सकते हो ये चीज। आज क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब देखो मुझे टाइम पुट करना है एट t इक्वल टू कैपिटल t, कैपिटल t बताओ एक बार कितना था, 2u परपेंडिकुलर अपॉन a परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर कितना था, u परपेंडिकुलर u sin थीटा, u sin थीटा, और a परपेंडिकुलर कितना था g cos थीटा नॉट। इस जगह x रखना है r, तो मैं इसमें पुट करूं x की जगह r, u cos थीटा इंटू टाइम, टाइम इज 2u साइन थीटा अपॉन g cos थीटा नॉट माइनस हाफ g साइन थीटा नॉट इंटू t का स्क्वायर। इस t का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g cos स्क्वायर थीटा नॉट। एक बार चेक करते चलो क्या कोई स्टेप गलत तो नहीं लिख दिया है, हमने जस्ट पहला स्टेप उठाया
मैंने केवल टाइम की वैल्यू पुट की इसमें, बस और कुछ नहीं किया। सर इसमें जी का स्क्वायर नहीं होगा? हाँ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर कहीं रह गया हो तो बता दो। टाइम में टाइम की वैल्यू आपने पुट की, ठीक है, जी का स्क्वायर हो गया, ठीक है, सही है, स्टेप आ गया समझ में। अच्छा अब देखो, पहली टर्म में अगर मैं यू स्क्वायर बाई जी अलग कर लूं तो ऊपर बचता है टू कोस थीटा साइन थीटा, वैसे वो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, साइन टू थीटा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका फायदा होगा नहीं। मान लो मैं पूरे में से एक टर्म बाहर लेता हूं, इन दोनों में से मैं एक तो यू स्क्वायर बाहर लेता हूं, एक जी बाहर लेता हूं और एक कोस स्क्वायर थीटा नॉट बाहर लेता हूं। इसमें स्क्वायर नहीं है तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या किया दोनों में से यू स्क्वायर बाहर लिया, जी बाहर लिया, कोस स्क्वायर थीटा नॉट बाहर लिया और एक ऊपर से साइन थीटा बाहर आ रहा है, एक ऊपर से बाहर आया साइन थीटा। अब आप बताना, ढंग से लिखवाना क्या क्या बचा है फर्स्ट टर्म में, बताओ। जो अगर मैं पहली टर्म लिखूं तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, चलो मान लो मैंने टू भी बाहर लिया, टू था टू भी बाहर ले लिया, उसमें कर लेंगे एडजस्ट क्योंकि उसमें है, देखो ये वन है ये फोर है, ये फोर कटा तो टू है ना, तो टू भी बाहर आ गया। अब फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूं, टू गया, यू स्क्वायर गया, जी गया, एक कोस थीटा नोट नहीं था वो भी निकाल लिया और साइन थीटा भी गया, तो क्या बचा ऊपर, कोस थीटा नोट। बताइए क्या फर्स्ट टर्म ये सही लिखी गई है कि नहीं, क्या यही स्टेप बच रहा है इसमें? अरे बोलो, कोस थीटा नोट आ गया समझ में, या कोई डाउट है इसमें बोलो, स्टेप में एक बार आप चेक कर लो या जवाब दो। मैंने यू स्क्वायर बाहर लिया, मैंने जी बाहर लिया, टू बाहर लिया, साइन थीटा बाहर लिया, बचना था कोस थीटा और एक कोस स्क्वायर बाहर लिया, तो कोस थीटा नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब सेकंड टर्म में बताओ क्या क्या बचा है, सेकंड टर्म में देखिए और बताइए। देखो यू स्क्वायर गया, टू भी गया, एक जी से जी कटेगा और एक जी भी गया बाहर, कोस स्क्वायर थीटा नोट भी गया, क्या बचा अंदर, एक साइन थीटा भी गया ऊपर से, तो एक तो साइन थीटा बचा और एक बचा साइन थीटा नोट। कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी, क्या होता है कभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे थोड़े बहुत, कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी होता है कोस ऑफ ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री हमें बताएगी, आप जल्दी पढ़ लोगे, आपके तो अभी स्टार्ट नहीं हुई होगी ट्रिग्नोमेट्री या हो चुकी है मैथ्स में? तो ये फॉर्मूला पढ़ लिया होगा शायद, नहीं पढ़ा है तो आ जाएगा। कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी इज कोस ऑफ ए प्लस बी, तो आपकी रेंज निकल के आई टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा नोट इंटू कोस ऑफ ए प्लस बी। आप किसी बच्चे ने फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था आर का फॉर्मूला? हाँ भाई, तो मैच कर लो अपना, ये प्रूव हो गया कि नहीं? लिखा था, हाँ हो गया ना प्रूव, मतलब आपको समझ में आ गया कैसे, दो स्टेप में ही आ जाता, बस ये कॉमन लेते ही आ जाता है इस तरह से, ठीक है। चलो पहला काम तो ये हुआ कि रेंज का फॉर्मूला ये याद हो जाने चाहिए, आज ये फॉर्मूले रेंज का फॉर्मूला आया। अब बात आती है कि इसे मैक्सिमाइज करना है, वो कैसे करें, इसको मैक्सिमाइज कैसे करें कि भाई आर मैक्सिमम कितने एंगल पे होगी। मैंने एक तरीका तो बता दिया आपको कि वर्टिकल और प्लेन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, लेकिन अगर मैथमेटिकली मैं इसे मैक्सिमाइज करना चाहूं तो मैं क्या तरीका यूज करूं यहां पे, क्या थीटा नोट वेरिएबल है कि थीटा वेरिएबल है, बताओ जब मैं फेंकूंगा बॉल को, जब मैं बॉल को फेंकूंगा प्लेन के ऊपर किसी भी एंगल पे, तो थीटा वेरिएबल होगा या थीटा नोट वेरिएबल होगा, बोलिए। थीटा नोट तो इसमें थीटा नोट यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है। तो आप इस आर को यूं देखें, आर इज इक्वल टू एक तो यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा नोट, ये सब तो कॉन्स्टेंट पड़ा है, इसको पड़ा रहने दो। इसके अलावा जो बचा टू को मैं यूज करूंगा साइन थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा नोट, टू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा नोट, उस टर्म में बस थीटा आ रहा है, केवल और केवल उस टर्म में थीटा आ रहा है, वो देखिए। अब आप मेरे पास आ गया r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और मैं चाहता हूं कि r मैक्सिमम हो, यानी कि फॉर r टू बी मैक्सिमम
अगर आप आर को मैक्सिमम करना चाहते हैं, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, जो टू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा नोट, इट शुड बी मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम हो गया तो बाकी तो कॉन्स्टेंट ही है। अब ये मैक्सिमाइज करना आपको, तो टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। भैया थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना, आप जल्द ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। टू साइन ए कोस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि आपने ये खोला होता है साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जब एड करोगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये अगर मैं इसमें लगाऊं तो टू टाइम्स साइन थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा नॉट कितना आया बताओ, इस तरह से अगर मैं अप्लाई करता हूं तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ टू थीटा प्लस थीटा नॉट, थोड़ा मैथ्स चल रहा है आज, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी कितना आया, साइन थीटा नॉट नहीं आ रहा यार, सही बोलो आप, साइन ऑफ ए माइनस बी कितना आया, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, कोस का माइनस गायब हो जाता है, तो ये आपका आया माइनस साइन थीटा नोट। अब देखो आप, मैंने रेंज में वैल्यू पुट की, ये इसकी जगह ये पुट किया, तो आर आया यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा नॉट, ये तो कॉन्स्टेंट है, और अंदर जो है उसकी जगह बचा साइन ऑफ टू थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस साइन ऑफ थीटा नॉट। अब देखो सब कुछ कॉन्स्टेंट है, केवल एक टर्म है जिसमें थीटा आर है, केवल एक टर्म है जिसमें थीटा आर है, तो अगर आपको आर मैक्सिमम करना है तो इस टर्म को मैक्सिमम करना होगा। अगर आप आर को मैक्सिमम करना चाहते हैं देखिए साइन ए प्लस बी हो जाएगा सर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी हैं। अब ये क्या करवा रहे हो आप, ये करना ही नहीं हमें, सुनो, फॉर आर टू बी मैक्सिमम साइन ऑफ टू थीटा प्लस थीटा नॉट शुड बी मैक्सिमम, और साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और साइन मैक्सिमम कब होता है जब एंगल 90 डिग्री हो, साइन मैक्सिमम तब होता है जब वो एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि टू थीटा प्लस थीटा नोट इज 90 डिग्री पाई बाई टू, इसका मतलब टू थीटा कितना आया पाई बाई टू माइनस थीटा नोट, ये वो एंगल है जो आप कई देर तक बता ही नहीं पाए थे, प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल याद आ गया, प्लेन और वर्टिकल के बीच का एंगल था पाई बाई टू माइनस थीटा नोट, ये टू थीटा है, यहां से बताओ थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया उसका बाइसेक्टर हाफ ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा नोट, ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब वो प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। इसको यू मत रटना भाई, इस तरह से मत याद करना, कंफ्यूज हो जाओगे, केवल ऐसे याद करो प्लेन और वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए फेंकना है तो अपने आप रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आर मैक्स निकालता हूं, इसके बाद मैं निकालता हूं आर मैक्स होगा कितना, कब होगा वो हम देख चुके हैं, आर मैक्स होगा कितना, इसकी जगह 1 रख दो तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कोस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू 1 माइनस साइन थीटा नॉट। अब जिस फॉर्म में हम याद रखते हैं वो तरीका सुनो, कोस स्क्वायर थीटा नॉट को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, अभी कोस स्क्वायर थीटा नॉट की जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन थीटा नोट एंड 1 प्लस साइन थीटा नोट, 1 माइनस साइन थीटा नोट से वो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा नोट। मैंने अभी आपको याद करवाया था ये कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, आज थोड़ा भाई फॉर्मूले याद करना, मैं विद प्रूफ आपको सारे बता रहा हूं। चलो ये तो बताओ प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन समझ में आया, अब देखो प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन, मैं जस्ट आपको हिंट देता हूं, सारी चीजें आप निकाल लेंगे,
अच्छा मैक्सिमम हाइट एक चीज रहेगी, कोई बात नहीं खुद करोगे ये कि जब वो यूं जा रहा है तो इस प्लेन से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट तब होगी जब उसकी वेलोसिटी प्लेन के, मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से नहीं प्लेन से, मैक्सिमम हाइट तब होगी जब उसकी वेलोसिटी प्लेन के पैरेलल हो जाए। और मैंने कल वो टाइम निकालना सिखा दिया वेलोसिटी प्लेन के पैरेलल कब होती है, ठीक है, तो उससे आप ये करेंगे। अब मैं प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन पे चलता हूं, प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन। कल जो टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट टू डी मोशन आएगा, मतलब रिलेटिव नहीं आएगा लेकिन टू डी मोशन पूरा आ रहा होगा, ठीक है। और कल से मैं स्टार्ट करूंगा रिलेटिव मोशन। कल कौन सा डे है, वेडनेसडे है ना कल, ठीक है, कल से हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे और अगले चार दिन रिलेटिव मोशन ही कर रहे होंगे ढंग से, लेकिन साथ में आपके टेस्ट रोज चलेंगे, कभी किसी टॉपिक पे कभी किसी टॉपिक पे, आप साथ साथ करते रहें काम। तो देखिए अभी डाउन द प्लेन पूरा आपको खुद करना है, प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन पूरा खुद करेंगे। मैं बस फटाफट एक तरीका बता देता हूं आपको, तरीका यह है कि अगर ये कोई प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा नॉट, और आपने उसको इस प्लेन के साथ, प्लेन के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो वो यूं आके गिरेगा। आ गया समझ में, प्लेन के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया वो कहीं यूं आके गिर रहा होगा। दो तीन चीजें बस बता रहे हैं, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक रेंज, मेन तो ये दो हमें इन पे आता हूं। जब इसको आप स्टडी करें, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मान लीजिए ओरिजिन, कल अप द प्लेन एक्स एक्सिस माना था, आज डाउन द प्लेन एक्स एक्सिस, और कल भी इसके परपेंडिकुलर माना था और आज भी इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। हाँ भाई टेबल बन जाएगी अब आपकी, बताओ टेबल बना पाओगे कि नहीं। अरे ये होमवर्क है, करना है खुद, फिजिकल क्वांटिटी ये होमवर्क है जो आपको करना है, एक्स कंपोनेंट y कंपोनेंट, फिजिकल क्वांटिटी x कंपोनेंट y कंपोनेंट, एक बार बनवा दो आप टेबल। सबसे पहले u के बताओ, ux कितना होगा ui कितना होगा, बोलिए u के कंपोनेंट्स बोलिए। अरे इधर देख के बोलो, ux तो होगा u cos थीटा इधर थीटा की तरफ, और ui होगा u sin थीटा। उसके बाद a के कंपोनेंट, ax कितना होगा ay कितना होगा, कल भी सिखाया था इसमें, बोलिए अब आप एक्स ए वाई। देखो जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है जी, तो उसका एक कंपोनेंट तो इधर होगा, ये तो पॉजिटिव होगा एक्स के लोम, और एक कंपोनेंट इधर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि ए वाई नेगेटिव आएगा और ए एक्स पॉजिटिव। और आप अगर देखो ये थीटा नोट, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा नोट, तो ये फिर से थीटा नोट, तो ए वाई हो गया माइनस जी कोस थीटा नोट, एंड ए एक्स हो गया जी साइन थीटा नोट। भाई समझ में आया, समझ में आया कैसे किए कंपोनेंट, बोलो। देखो याद रखने वाली बात इतनी सी है, जब यहां साइन आ रहा है यहां कोस आ रहा है, यहां साइन आ रहा है यहां साइन आ रहा है कोस, बस एक थोड़ा एक पॉजिटिव हो गया, वो आपको अपनी समझ से देख लेना है। इसके बाद मुझे टेबल आगे लिखने की जरूरत नहीं है, टी 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 एस एक्स वाई और वी ए वी वी एक्स वी वाई, वही है टेबल, सब कुछ सारे रिजल्ट सेम चलेंगे। रेंज के रिजल्ट्स कैसे निकालने आप ट्राई करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है। बस एक चीज पे मैं रेंज मैक्सिमम के फॉर्मूले भी बता चुका हूं, एक आखिरी बात बताता हूं यहां से, रेंज मैक्सिमम कब होगी। अगेन क्या बताया था अभी, रेंज मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा एंगल बाइसेक्ट करना होगा सर, टू थीटा प्लस थीटा नॉट। एक बार पहले ही बताओ किस किस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए फेंकना है रेंज मैक्सिमम करने के लिए। देखो इंक्लिनेशन नहीं, सुनो, एक तो ये प्लेन, एक तो ये प्लेन हो गया इस बार, ये इधर है प्लेन, और एक वर्टिकल, वर्टिकल बनेगा सीधा सीधा, वर्टिकल और प्लेन के बीच का जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करते हुए फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। तो आप यूं बता दो ये एंगल है कितना, ये एंगल है कितना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना, आगे बात समझ रहे। तो ये पूरा एंगल कितना है, पाई बाई टू प्लस थीटा नोट। तो अगर आपको रेंज मैक्सिमम करनी है तो थीटा लेना होगा हाफ ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा नोट। आ गया समझ में, ठीक है।
ठीक है, प्रूफ अपनी जगह है, वो होते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। मैंने आपको अपना प्लेन के सारे प्रूफ दे दिए और अपना प्लेन के साथ ही रिजल्ट याद करने सिखा दिए कि डाउन द प्लेन के रिजल्ट आपको किस तरीके से याद रखने हैं। अप द प्लेन के दिए और डाउन द प्लेन के सीधे सिखाए क्या है क्या नहीं, करोगे आप ये खुद करोगे। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया है कि नहीं? ठीक है, धीरे धीरे 3-4 दिन में काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ टेस्ट के थ्रू भी। वैसे भी इन टेस्ट को आप यू ना लीजिए कि कम मार्क्स आ गए कोई बात नहीं भाई, एक CPP था तो मैंने आपको टेस्ट की तरह दे दिया, अब वैसे ट्राई करते बढ़िया रहा आपने टेस्ट की तरह दे दिया, इनमें मार्क्स कम भी आए कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट में सभी बच्चे अपियर हो। यार आज भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टेस्ट नहीं दिए जिन्होंने, अनुज है क्या क्लास में, है अनुज अभी? अनुज है क्लास में कि नहीं है? बोल ही नहीं रहे, इट मींस नहीं है। अनीस, अनीस है क्लास में? अब जिसने टेस्ट नहीं दिया वो क्लास में भी नहीं है। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा अभी होगा ना जिसने टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि इतने बच्चों ने टेस्ट तो दिया भी नहीं है। हाँ भाई बोल नहीं रहे आप, क्लास में ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। आगे से मैं अलाउ नहीं करूंगा फिर इस तरह से, अभिषेक सर को नाम भेज दूंगा भाई, इनको अलाउ मत करो। अब टेस्ट तो दीजिए, 10 नंबर आए कोई बात नहीं, 5 नंबर आए कोई बात नहीं, एक बार टेस्ट में तो अपियर होइए। ठीक है, तो कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना रिलेटिव मोशन और CPP प्रैक्टिस के लिए भी और टेस्ट के लिए भी आपके चलते रहेंगे, और 3-4 दिन में अब आपके लगातार टेस्ट होंगे, जैसे पिछले वीक मैंने 10th के लिए थे, इस वीक आपका चलेगा, उससे अगले वीक 12th के चलेंगे, इस तरह से होगा। ठीक है भाई, आज की क्लास क्लियर होगी होगी, डाउन द प्लेन अपना आप खुद कंप्लीट करेंगे जो मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, थैंक यू।